good morning everyone so in the previous video we were discussing the case study of image formation by convex lens we have discussed the five cases till now first one when object was in at infinity second when object was beyond center of curvature third when object was at center of curvature fourth when object was between center of curvature and focus ऑब्जेक्ट है फिफ्थ वेन ऑब्जेक्ट वॉज एट फोकस ये पांच जो केस स्टडी है इन द प्रीवियस वीडियो टुडे विल डिस्कस ऑफ लेंस दैट इज द लास्ट वन केस सिक्स ठीक है केस सिक्स क्या है वेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है यहाँ पे है आपका फोकस और यह हुआ आपका ऑप्टिकल सेंटर इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है ठीक यह हुआ आपका प्रिंसिपल एक्सिस यह हुआ फोकस ये हुआ ऑप्टिकल सेंटर यह हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट को रखना है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में पहला लाइट रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आएगा हेड से गया ठीक है इधर वाले फोकस से क्रॉस करेगा इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ वन सी वन एफ टू सी टू ठीक है यहाँ पे जो टू एफ़ लिखा हुआ है टू एफ़ का मतलब ऑप्टिक सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होता है आप सी से भी डिनोट कर सकते हैं क्रॉस कर जाएगा फोकस से फोकस से क्रॉस कर गया ठीक है दूसरा लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा ठीक है ऑप्टिकल सेंटर से पास किया अनडेविएटेड पास करता है ठीक है अनडेविएटेड पास करेगा तो देखिएगा कि जैसे जैसे ये आप लाइटरे को आगे बढ़ाइएगा तो ये लाइटरे क्या कर रहा है लाइटरे डाइवर्ज होते चला जा रहा है और अगर लाइटरे डाइवर्ज होते चला जा रहा है सेपरेट होते चला जा रहा है तो ये लाइटरे कहीं नहीं मिलेगा आगे जाके आगे लाइटरे तो कहीं जाके मिलेगा नहीं क्योंकि आगे जाके तो डाइवर्ज होते चला जा रहा है ठीक है तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में आपका फॉर्म करता है पीछे दाइड ऑफ द लेंस द इमेज विल बी फॉर्म तो इस केस में आपका फॉर्म करेगा वर्चुअल इमेज ठीक है यह इमेज आप लाइट रे को पीछे अगर प्रोसीड करें तो यहां पर आपका फॉर्म क्या करेगा इमेज यहां पर आपका फॉर्म करेगा वर्चुअल इमेज क्योंकि ओरिजिनली द लाइट रेज आर बींग सेपरेटेड सेपरेटेड होते चला जा रहा है आगे ठीक है आगे अगर सेपरेट हो रहा है तो आगे जाकर जो रियल इमेज फॉर्म करेगा नहीं अगर रियल इमेज फॉर्म नहीं किया तो वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म किया इस लाइट रे को अगर पीछे प्रोट्यूट किया जाए तो यहां पे आपका दोनों लाइट रे वर्चुअली मीट किया ठीक है वर्चुअली मीट किया तो आपका जो नेचर ऑफ इमेज है नेचर ऑफ इमेज नेचर ऑफ इमेज जो है वो कैसा रहेगा पहला बना कहां पर जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड आपका इमेज बना ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जिस साइड है उसी साइड आपका इमेज बना दूसरा रियल में लाइट रेड मीट नहीं किया है वर्चुअली मीट किया है तो क्या बनेगा वर्चुअल बनेगा थर्ड अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा वर्चुअल है तो आपका इमेज सीधा होता है एंड फोर्थ जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे बड़ा होगा ये इमेज ठीक है इट इट विल बी मैग्नीफाइड कैसा बनेगा मैग्नीफाइड ओके ठीक है तो ये कन्वेक्स लेंस का हुआ आपका द सिक्स केस ठीक है नाउ विल डिस्कस द केस स्टडी रिलेटेड टू इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव लेंस कैसा लेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कनकेव लेंस के बारे में कनकेव लेंस कैसा प्रॉपर्टी है इसका इसका डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी है ठीक है जितना भी लाइट रे आता है वो क्या करता है इसको पैरेलल अगर प्रिंसिपल एक्सिस के आया तो लाइट रे को क्या करता है वो डाइवर्ज कर देता है बट इट सीम्स दैट इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस पहला केस हम क्या रखें व्हेन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम कहा रख रहे हैं ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे रखें अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो आपका इमेज कैसा बनेगा यह हुआ आपका कनकेव लेंस ठीक है दिए हुआ आपका प्रिंसिपल एक्सिस दिस वन इन द मिडल इज ऑप्टिकल सेंटर दिस वन इज़ फोकस और ये हुआ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर दिस इज ऑन द फर्स्ट साइड और सी वन सी टू और ये आपका दूसरे साइड में है तो एफ वन एफ टू और सी टू ठीक है आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखना है ऑब्जेक्ट को रखना है ऑप्टिकल इन्फिनीटी के पहले इन्फिटी के पहले अगर इन्फिटी पर रखना है तो इन्फिटी से आपका लाइट रे आया पहला लाइट रे और ये दूसरा लाइट रे इन्फिनी से आया दोनों लाइट रे इन्फिनी से आया ये दोनों लाइट रे आपका इन्फिनिटी से आ रहा है तो पहला लाइट रे ये भी डाइवर्ज करेगा डाइवर्ज ऐसा करेगा बट इट सीम्स दैट इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस बट इट सीम्स दैट इट इज कमिंग फ्रॉम ये पैरल रे आया डाइवर्ज किया लेकिन ऐसे डाइवर्ज करता है दैट इट इट दैट इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस दूसरा लाइट रे भी वैसे ही डाइवर्ज करता है इट सीम दैट इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस आया लाइट रे और डाइवर्ज कर जाएगा ठीक है तो दोनों रे डाइवर्स करते चले गए आगे जाके तो मिलेंगे नहीं डाइवर्स कर चुका है अगर रे डाइवर्स कर जाता है रिफ्रैक्शन के बाद अगर रे डाइवर्स कर जाता है तो रियल वर्ल्ड में रियली दो लाइट रे विल नॉट मीट अगर रियली नहीं मीट करेंगे तो वर्चुअली मीट करेंगे वर्चुअली कहाँ पे मीट कर रहे हैं फोकस पे मीट कर रहे हैं तो जो नेचर ऑफ इमेज है नेचर ऑफ इमेज जो होगा वो लिखिए कैसा होगा पहला पहला लाइट रे कहां पे मिल रहा है फोकस पे मिल रहा है तो इमेज कहां बना फोकस पे बनेगा एट फोकस ऑन द सेम साइड ये जरूर लिखिएगा क्योंकि उधर भी तो फोकस है सेम साइड पे ठीक है दूसरा क्या होगा दूसरा वर्चुअली लाइट रे मिल रहा है तो वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म किया है तो इरेक्ट इमेज होगा एंड फोर्थ द साइज इज डिमिनिश्ड वेरी डिमिनिश्ड ठीक है वेरी डिमिनिश डिमिनिश्ड मतलब छोटा क्लियर द साइज इज वेरी डिमिनिश ओके ये हुआ आपका पहला के स्टडी कनकेव लेंस का वेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी ठीक है एक और है आपके बुक में क्या है ये जो ये जो आपका ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी वो दिया हुआ नहीं है आपके बुक में बस एक ही दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट को बस कनकेव लेंस के सामने बस रख दिया गया है ठीक है ऑब्जेक्ट क्या किया गया कि आप कन्वेक्स लेंस में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखिए तो आपका ऐसा ही आपका इमेज बनेगा लेकिन हम क्या किए एक आपको इंफिनिटी बता तो पे बताएं इन्फिनिटी का बताए तो इमेज कहाँ फॉर्म किया इमेज आपका फॉर्म किया फोकस पे फॉर्म किया एक हम केस लेते हैं कि इस बार हम ऑब्जेक्ट को नजदीक ले आते हैं इन्फिनी से और आपका फोकस और ऑप्टिकल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं केस टू ऐसा केस टू हम क्या ले रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर आप यह भी बोल सकते हो कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड ऑन वन साइड ऑफ द लेंस एक साइड बस आप लेंस पे रखिए आप कहीं पे भी रखिए आपका इमेज एक ही जैसा बनने वाला है आपका इस, इसका न्यूमरस केसेस भी करवा देंगे ये आपका क्या हुआ ये हुआ आपका कनकेव लेंस ठीक है दिस वन इज अ कनकेव लेंस ये आपका हुआ प्रिंसिपल एक्सिस ये हुआ फोकस ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ वन सी वन और ये आपका एफ टू और सी टू ऑप्टिकल यहाँ पर आपका रखा गया है ऑब्जेक्ट पहला लाइट रे आया ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस पैरल डाइवर्ज करेगा बट इट सीम इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस ठीक है डाइवर्ज करेगा बट सीम सिम इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस दूसरा क्या है दूसरा लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कराए अनडेविएटेड पास कर जाएगा ठीक है तो इसमें देखिए कि रिफ्रैक्शन के बाद दोनों लाइट रे तो डाइवर्ज कर रहा है हमारा दोनों लाइट रे अगर डाइवर्च करा रिफ्रैक्शन के बाद तो रियल वर्ल्ड में तो दोनों मिलेगा नहीं जब रियल वर्ल्ड में दोनों मिलेगा नहीं रिफ्रैक्शन के बाद तो क्या हुआ इसमें वर्चुअल इमेज बनेगा वर्चुअल इमेज कहां बन रहा है यहां पे ठीक है तो नेचर ऑफ इमेज आप क्या लिखिएगा नेचर ऑफ इमेज जो है पहला कि कहां पे बन रहा है बना कहां पे बिटवीन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर दूसरा रियल वर्ल्ड में मिला नहीं है तो क्या बना है वर्चुअल बना है वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा ठीक है थर्ड थर्ड कैसा बनेगा थर्ड ये होगा कि आपका डिमिनिस्ट ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज छोटा है तो डिमिनिस्ट ओके ठीक है तो अगर इस केस को अगर हम और नज़दीक अगर भी ले आए अगर हम आप पूछिएगा कि फोकस पे ले आइएगा अब क्या होगा सर फोकस पे अगर हम लाइट रेट इसको इ, इसका जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको हम नीचे नज़दीक ले आएँ ये आपका फोकस एफ वन और ये आपका सी वन यह आपका एफ टू और ये आपका सी टू हम इस बार क्या करते हैं फोकस पे ले आते हैं अगर फोकस पे लाते हैं तब क्या होगा लाइट रेट तो डाइवर्स कर जाएगा डाइवर्ट ऐसा करेगा डैट इट इज़ कमिंग फ्रॉम फोकस और दूसरा लाइट रे कहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से अंडिवेटेड पास करेगा ठीक है तभी इमेज आपका कहाँ फॉर्म किया इमेज आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बना वर्चुअल और इरेक्ट ही बना और डिमिनेस्टिव बनेगा ठीक है बस इससे थोड़ा डिफरेंट क्या हो गया कि इस जब हम इन्फिनिटी पर रखे थे तो इन्फिनिटी पर फोकस पर बनता है लेकिन जैसे जैसे हम नजदीक ले आए ऑब्जेक्ट को तो ये क्या कर रहा है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनने लगा मतलब वर्चुअल इरेक्ट ही बनेगा लेकिन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही हमेशा आपका इमेज आपका रहेगा क्लियर तो ये क्यों हुआ बिकॉज द लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन देवर डाइवर्जिंग इन ऑल द केसेज ऑफ द कनकेव लेंस यू सी डैट लाइट रे डाइवर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज कर जाता है रिफ्रैक्शन के बाद कन्वेक्स में क्या है कन्वेक्स में बस एक ही ऐसा केस होता है जिसमें लाइट रे डाइवर्ज करता है या ये आपका क्या है वेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ओके आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द केस स्टडी रिलेटेड टू इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड कंकेव लेंस कन्वेक्स में आपका छः है और कन्केव में आपका एक ही है ये आपका जो ऑप्टिकल ये जो आपका पे बताया है दैट इज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ यू बुक ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा बस जो आपका बुक एग्जाम क्वेश्चन एग्जाम में है उसी रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ठीक है तो ये जितना भी आपका केस स्टडी दिया हुआ है वो उनके स्टडीज को आप एवर कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा And in the next video, we'll start the next topic that is human eye. Till then, thank you.